जब हाथ किसी के खून से सने हों तो दो दिन तक रोटी नहीं तोड़ी जाती। लगता है पनीर टिक्का मसाला पर तेल नहीं, खून तैर रहा है। मरने का पूरा क्रेडिट सिर्फ लाश को नहीं मिलना चाहिए यार, मारने वाले के अंदर भी तो कुछ मर जाता है ना। वो क्या कहते हैं, आदमी अंदर का आदमी। मेरा बाप कहता था, चिंटू बेटा तेरे अंदर एक चूतिया है, जितनी जल्दी उसे मार देगा ना उतना अच्छा है। साला इस चूतिये को मारने में 30 साल लग गए और इस चक्कर में वो भली औरत भी चली गई। वो क्या है ना, चूतिया जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं मरते, किसी ना किसी को साथ लेकर मरते हैं। हरामखोर मेरी बीवी को खा गया। अभी तक उसकी बॉडी वहां किचन में पड़ी है। तो ये मक्खियों ने चाय बनाना मुश्किल कर दिया। कितनी बार बोला पेस्ट कंट्रोल करवा लो, पेस्ट कंट्रोल करवा लो, पर मेरी बात सुने तब ना, पूरे टाइम बस चक 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 चुप, एकदम चुप। पहले ही दिन इसकी बॉडी बदबू मारने लगी थी, फिर दूसरे दिन मुझे बदबू अच्छी लगने लगी। पर बहुत हुआ, अभी आज रात बॉडी जाएगी नाले में। गहने उतार लूंगा, कपड़े जला दूंगा और चाकू, चाकू कहाँ है, ये चाकू संभाल के रखने का मन है, पर फेंक दूंगा समंदर में। उसे समंदर बहुत पसंद है। कौन है? कौन हो सकता है? अपना दरवाजे पे क्या कर रहे थे? प्यास तक नहीं काटना आता है इस आदमी को, बोलो कुछ, पता नहीं क्या चलता है इस आदमी के दिमाग में।